मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले की धर्मपुरी तहसील पहुंच गए हैं। जल्द ही वे बांध लीकेज के बाद बने हालात का जायजा लेंगे और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। धर्मपुरी तहसील के कोठीदा गांव में कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम की साइड वॉल ढहने के बाद स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। बांध में लीकेज आ गया था, चैनल बनाकर इसे खाली करने की कोशिश की जा रही थी, तभी साइड वॉल गिरने से बांध का पानी तेज बहाव से धार और खरोन के से होता हुआ महेश्वर में नर्मदा में मिल गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस बांध को लेकर कांग्रेस अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ क्षतिग्रस्त हुई बांध का हवाई सर्वे किए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने बताया कि हवाई निरीक्षण के बाद प्रभावित हुए गांवों में भी जाएंगे और ग्रामीणों से चर्चा करके उनके हुए नुकसान की जानकारी लेंगे। कोठीदा गांव में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन 4 साल पहले जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किया था। डैम का निर्माण दिल्ली की कंपनी ANS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। 10 अक्टूबर 2018 से बन रहे इस डैम को 36 महीने में बनकर पूरा होना था, हालांकि कोरोना काल के चलते 2 साल इसका काम बंद रहा। डैम का जल संग्रहण क्षेत्र 183.83 वर्ग किलोमीटर का होकर बांध की लंबाई 564 मीटर होकर चौड़ाई 6 मीटर है। जल भरण क्षमता 43.98 मीट्रिक घन मीटर रखी जाना है, लेकिन डैम में लीकेज होने के बाद दीवार को काट कर पानी को बहाया गया है। कारण डैम में रिसाव शुरू होने के बाद कांग्रेस इस मामले में सरकार पर हमलावर नजर आई है। रिसाव के कुछ देर बाद ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस की तरफ से 8 सदस्यीय दल बनाया गया है, जिसमें धार जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, गंधवानी विधायक उमंग सिंघार, कुछी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, इंदौर विधायक संजय शुक्ला, देपालपुर विधायक विशाल सरदारपुर, विधायक प्रताप ग्रेवाल, धर्मपुरी विधायक पंचीलाल मेड़ा, मनावर विधायक हीरालाल अलावा को शामिल किया गया था। सभी सदस्य निरीक्षण कर डैम की स्थिति देख चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस नेता अपनी रिपोर्ट भी पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। क्या क्षति हुई है? केवल फसल की क्षति नहीं, जमीन अंदर लाना खेती के लिए। अरे उठा यार, पत्थर आ गए, मकान गए, अंदर घुस, कोई मुआवजा। अरे चले जा, की बात अभी चर्चा हो रही है, अंदर सर्वे हो रहा है। जब जो आग घुसा जा रहा है तो किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार देखना, गिर मत जाना भैया साइड में। अच्छा, एक आज कोई अधिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आशा नमकीन, घर घर की पसंद, मन पसंद प्रोडक्ट, नियर बाणगंगा तिराहा, वार्ड नंबर 15, शहडोल, मध्य प्रदेश। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जोगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर देवचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्था। जय हिंद, जय गस्तकांत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर
इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी, पत्नी किशन द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद, खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।